अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ अल्बीना और आप देख रहे हैं इस वक्त कि मैं किस किस्म के स्लम में इस वक्त मौजूद हूँ। ये स्लम बिल्कुल कराची यूनिवर्सिटी के ऑपोजिट है और ऑपोजिट मेन रोड से ही आपको ये आबादी दिखती है। यहाँ पे तमाम तरह कम्युनिटीज के लोग मौजूद हैं, मुसलमान, हिंदू, ईसाई। और यहाँ पे ये जब हम लोग फुटेजेस बना रहे थे तो यहाँ पे हमने नेवले और बिच्छू और बहुत अजीब से जहरीली चीजें देखी और यहाँ पे मुझे बड़ा एहसास हुआ कि ये किस तरीके से रहते हैं ये लोग। और एक और बात मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगी, बहुत सारे हमारे जो कॉलीग्स हैं वो हमें ये कहते रहे हैं हमेशा से कि हम लोग स्टूडियो में जब एंकर्स मौजूद होते हैं तो हमें इतना एहसास नहीं होता कि पाकिस्तान में मसाइल कितने हैं। जब से मैं अपने स्टूडियो से बाहर निकलकर मामलात को देख रही हूँ तो यकीन करें ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क में किसी का भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। कोई एक मामला नहीं है ऐसा जो दुरुस्त हो हमारे मुल्क में, कोई एक चीज या एक मामला बिल्कुल दुरुस्त सिमत में नहीं है। बंगालियों के मोहल्ले गए, उनके CNICs नहीं है, उनके दीगर मामलात हैं, उनके जगह में कचरे हैं, कचरे का ढेर है, गंदगी है। वो बेचारे पाकिस्तानी हो के भी अपने एक फंडामेंटल राइट से वो बेचारे जो है बिल्कुल उनको हटा, उनको नहीं दिया गया, उनको फंडामेंटल राइट से उनको डिप्राइव किया हुआ है। यहाँ पे जब हम आते हैं प्राइमरली हम ये सोचते हैं कि इनक्रोच जगह है, इलीगल जगह है, लेकिन उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि इनको कोई और सब्स्टिट्यूट फराहम करे। अगर ये गरीब है तो किसी भी मुल्क में ऐसा होता है कि जो गरीब होते हैं या लोग जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए कुछ ना कुछ सोचा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे मामले, पॉपुलेशन का भी एक क्राइसिस दिखता है यहाँ पे, और भी बहुत सारे मसाइल है। अच्छा, यहाँ पे एक और मामला है जो मच्छर, अगर हम किसी भी ओपन एयर जगह में, साफ ओपन एयर जगह में बैठे हो तो भी हमें मच्छर काटते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये लोग इतने गंद में रह रहे हैं, यहाँ पे कितने मच्छर होंगे? यहाँ पे डेंगू होगा, यहाँ पे दूसरे मसाइल होंगे। और जो COVID-19 है वो जब ग्लोबल पैंडेमिक आया तो लोगों ने अपने आप को साफ रखने की बात की, तो क्या ऐसी जगह में रहने वाले लोग अपने आप को साफ रख सकेंगे? क्या इस मुल्क में कोविड जैसी कोई वबा अगर खुदा ना खास्ता कोई और फूटती है तो क्या वो लोग सेफ रहेंगे? जाहिर है ये लोग कैरियर की तरह बाहर दूसरी जगह पे स्प्रेड करेंगे। इस मुल्क में कुछ भी दुरुस्त सिमत में नहीं है और शहबाज शरीफ साहब ने तो अपनी कमीज बेचनी थी। मेरा सवाल ये है कि उनकी कमीज कितने पैसों की है, कितने करोड़ों की है कि उनकी कमीज से सारे मामला हल हो जाएंगे? लेकिन यहाँ पे एक एक बंदा, उनसे मैंने बात की, सबको अवेयरनेस है कि बेवकूफ बनाने वाली बातें। लोग मुझे कहते हैं कि मैं बायस जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन अगर लोगों को ये सब नहीं दिख रहा तो लोग अपने आंखों पे पट्टी बांध लें और वो डूब मरे। अगर लोगों को लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ, नाइंसाफी कर रही हूँ यहाँ पे हुकूमत सिंध के खिलाफ बात करके या लोकल बॉडीज के खिलाफ बात करके, मैं बायस जर्नलिस्ट हो जाती हूँ। अगर मैं कहूँ कि सलाम है सिंध हुकूमत को और MQM ने भी जन्नत बना दिया हमारे मुल्क को, तो फिर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन ये गन दिखा रही हूँ, लोगों की आवाज बन रही हूँ, यकीन करें हम जिधर भी जा रहे हैं मुझे इतना एहसास हो रहा है, लोग हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, कोई कह रहा है कि हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करें, कोई कह रहा है यहाँ पे फ्यूमिगेशन करवाएं, कोई कह रहा है हमारे बच्चों को तालीम के लिए कोई काविश करें। मतलब हम क्या करें, हमारी एक आवाज, हम लोग सिर्फ और सिर्फ आवाज बन सकते हैं लोगों की और हम ये मैसेज स्प्रेड कर सकते हैं। दीगर मामला तो कंसर्न अथॉरिटीज नहीं हल करने होंगे। जी नाज़रीन, अब हम यहाँ पे लोगों से कुछ बात करेंगे, इनसे डायरेक्टली इनसाइट्स लेने की कोशिश करेंगे। एट द मोमेंट आई एम मोर इंटरेस्टेड टू नो हाउ डू दे स्पेंड देयर लाइफ, किस तरीके से पानी इनके पास आता है और किस तरीके से जिंदगी की बाकी की जरूरियात जो है वो उनकी पूरी होती है, क्या प्रोफेशन है इनका। जी नाज़रीन, यहाँ पे लोगों से डायरेक्टली बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारते हैं यहाँ पे लोग और क्या उनको मसाइल दरपेश है। जी यहाँ पे अभी जब हम फुटेजेस बना रहे थे तो हमने देखा यहाँ पे नेवले थे और बाकी भी कुछ जहरीली चीजें दिख रही थी यहाँ पे, तो क्या आप लोग को डर और खौफ नहीं होता जब आप यहाँ पे आप लोग, क्योंकि आप लोग का तो घर है यहीं पे? बाजी डर क्या लगेगा, यहाँ पे तो रहना तो पड़ेगा ना, हम लोगों को कौन से महल आते बिल्डिंग, हमारे को तो कुछ भी नहीं मिलता, जो मेहनत करते हैं वही खाते हैं, कहाँ से झुग्गियाँ नहीं बना सकते हैं, आजकल राशन नहीं पूरा नहीं कर सकते हैं। बच्चे हैं, किसी के 3 है, किसी के 4 है, किसी के 5 है, उनका खाना पीना बड़ी मुश्किल से होता है, तो एक बांस की लकड़ी लेना तो बड़ी अहमियत होगी, 40 रुपए का तो पराठा चल रहा है, वो कैसे आवाम पूरी करेगी? आप लोग को पानी के और बाकी दीगर मामलात के ऊपर कोई मसाइल दरपेश होते हैं? तो बाजी हमारे को तो यही है जो हमारे समझ में आते हैं, हम तो चल रहे हैं, ये पानी वानी आ जाते हैं कहीं मोल से उठा लेते हैं। अच्छा, ये जो नेवले और बाकी जहाँ पे जो खतरनाक चीजें दिख रही हैं, क्या ये मतलब किसी को काटा है, ऐसे केसेस हुए हैं कि किसी को तकलीफ हुई हो, बीमार हो गया हो, मर गया हो? तो हुए 2-3-4 वाक्य हो चुके हैं, अपन क्या करें, किसी को क्या कह सकते हैं, किसी को कैसे कह नहीं, जो कहे तो हमारी दरकार होती भी नहीं, गरीबों की कौन सुनता है आजकल। ठीक है,
ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये बता दीजिए कि आप लोग कि कई बार हमने देखा है कि यहाँ पे पुलिस और दीगर जो इदारे हैं वो यहाँ पे आते हैं और आप लोग की जो झुग्गियाँ हैं वो यहाँ से खत्म हो जाती हैं और उसके बाद दोबारा से झुग्गियाँ आप लोग की बन जाती हैं, ये क्या मामला है? हमारे को यहाँ पे बाजी 30 साल हो रहे हैं, हमारे को गरीब समझ के सबको ऐसे पार्टी आ दी है, कब्जा ग्रुप वाली उठा दी है, लेकिन हमारे को 30 साल हो रहा, हम क्या जाए, गरीब बंदे कहाँ जाएंगे? अभी पाकिस्तान को रहने वालों को जितना हक है उतना हमारा भी हक बनता है, क्योंकि हम भी पाकिस्तानी बंदे को बाहर के तो है ही नहीं है, लेकिन हमारे को गरीब समझ के सबको आके गवर्नमेंट तो हमारे को तंग नहीं कर रही है, सिर्फ ये जो पार्टी आती है हमारे को जो कब्जा ग्रुप वाले ये हमारे को थोड़े भगाने की कोशिश करते हैं। कौन कौन लोग भगाने की कोशिश? अभी इतने तो पढ़े लिखे नहीं है जो हमारे क्या पता है कौन आ रहे कौन नहीं आते, आते धमकी देके चले, लेकिन हम नहीं। तो कहते क्या है आपसे? हम गारो कहते हैं ये जगह हमारी है, ये मसला हमारी 30 साल हो रहा है जगह पे बैठे हुए, अभी 35 साल हो रहा है, बहुत काफी दिनों से लोग हम बैठे हुए हैं, अभी पानी की तरफ से बाहर से भर के आते गुजारा करे, हमारा काम है ठेलों का बेचना, फल फ्रूट का कारोबार है, अभी ये बोलते तुम लोग कहाँ अभी सिंध में जाओ, अभी सिंध में हम कहाँ जाए, हमारी तो प्रॉपर्टी है ही नहीं है, हमारा फ्रूट का कारोबार है, अभी ये हमारा गरीबों का है, कुछ पढ़ाई भी कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ स्कूल भी निकली है, अभी अल्लाह की रहमत से बच्चे भी तालीम कर रहे हैं, अभी जितना पाकिस्तान का जितना हक है लोगों का उतना हमारा हक। अच्छा ये यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि आप लोगों ने इस जगह के ऊपर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है, ये क्या मामला है? हम कोई गैर कानूनी होता था आज हमारी बिल्डिंग होती क्या? नहीं तो ये आप लोगों ने खरीदी है क्या जमीन आप लोगों की है? जो हमारी पचपन यहाँ से गुजरी है। अच्छा मतलब खरीदी नहीं है ना आप लोगों ने, बस आप लोग यहाँ पे रहते हैं लेकिन इसके मालिक का भी पता नहीं है कि कौन मालिक है। देखिए सारा गोंदपुर स्थान है, ये सब हिंदू का इलाका था पहले, अभी ये कब्जा करके मुसलमानों लिया, ये पूरी प्रॉपर्टी है, पूरे हिंदू की है। अच्छा यानी आप कह रहे हैं ये पूरा लैंड हिंदुओं का था और जो इसके मालिकान है उनका अब कोई पता नहीं है, लेकिन अब कब्जा ग्रुप ये हमारी सुपारी पार्क से लेके रेल को तक ये हमारी हिंदू की प्रॉपर्टी थी। अच्छा। अभी ये भी हमारे को पता है भाई हिंदू की प्रॉपर्टी है, फिर भी ये लोग हमारे गरीबों को उठा रहे हैं, भाई कमजोर समझ के हमारे को उठा दे और कुछ भी। ठीक है जो ये जो आपको उठा देते हैं तो कुछ दिन के लिए आप लोग कहाँ होते हैं फिर? रोड पे पड़े रहेंगे क्या करें, क्योंकि हमारा हिंदुओं का कोई वैल्यू नहीं है पाकिस्तान के अंदर। नहीं मैं अभी किसी और से पूछ रही थी, इनसे मैंने पूछा यहाँ पे हिंदू है या कौन यहाँ पे रहते, तो उन्होंने कहा मुसलमान रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं मगर मुसलमान भी नहीं है उसको, वो भी मतलब मिक्स रहते हैं, उठा लेते हैं मार दम। यहाँ पे मुझे मालूम हुआ मुसलमान हिंदू ईसाई सब रहते हैं और यहाँ पे कुछ लोग कारोबार भी करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे भीख मांगने वाले भी मौजूद हैं। भीख भी मांगते हैं, ऐसे फ्रूटों को भी कारोबार करते हैं, खिलौने भी बेचते हैं, गुब्बारे भी बेचते हैं, सब कुछ है, बस ये कारोबार है, दूसरा कौन सा कारोबार? अच्छा ठीक है, बच्चे बहुत हैं यहाँ पे हर घर में आते हैं, पीछे स्कूल बनाई हुई ना यूनिवर्सिटी वालों ने। किसने किसने? यूनिवर्सिटी वाला है ना जो टीन है ना यूनिवर्सिटी सिलौला के नाम से एक इदारा बना हुआ है, बैक साइड में जो ना उन्होंने एक छोटा सा स्कूल बनाया हुआ है, वहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं सिख बिरादरी के हैं, बागड़ी बिरादरी के हैं, अपना सिराकी हैं, पंजाबी हैं, यहाँ पे कम से कम नहीं तो 5-6 जन के कास्ट जो ना ये रहती है, उनके जो बच्चे हैं वहाँ पे एक इदारा बना हुआ है, वो गवर्नमेंट इदारा नहीं है, अल्लाह जाने वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट ही है, वो हमारा अल्लाह ही जानता है। ठीक है हमें यहाँ पे सहूलतें हैं पर कुछ सहूलतें ऐसी हैं जो हमें केयर कर रही हैं, कुछ हमें हमारे साथ। अच्छा ये जो इतना सारा कचरा है इतना ताफुन है और मतलब मैं 10 दिन पहले किसी जगह कवरेज के लिए गई थी, मैं अभी तक बीमार हूँ यहाँ पे, उस जगह से भी मुझे या तो वैसे ही हाल होगा या उससे बदतर हाल होगा, तो आप लोग की कोई साफ वगैरह नहीं करते यहाँ पे? हम यहाँ पे कंप्लेन वगैरह करते हैं, ठीक है DMC को KMC वगैरह जो भी है जो इदारे सफाई वाले उनको कंप्लेन करते हैं। ठीक है अगर कोई इत्तेफाक से अगर कोई आ गया तो आ गया, वरना ये कचरा देख रहे हो आप यहाँ पे फोटोज बना रहे थे गाड़ी में जाके, फोटोज आप बना रहे थे मैं देख रहा था आपको, ये आपकी बड़ी मेहरबानी है जो आप एक एक चीज को आप नोट कर रहे हो और पूछ रहे हो। ठीक है यहाँ पे काफी कौम है जो मांगने वाले भी हैं और फेरी करने वाले भी हैं, बर्तन का काम। आपको ये मालूम है जब यहाँ पे आपको उठाया जाता है तो वो कौन लोग होते हैं जो इस जगह पे कब्जा करना चाहते हैं? अब ये तो अल्लाह ही जाने, इदारा है तो गवर्नमेंट का ही आता है, अब उनके पीछे किसका हाथ है? देखिए गवर्नमेंट का इदारा तो इसलिए आता है ना कि अनलेस कोई लैंड जब उसका ना हो ओनर के नाम पर ना हो तो वो इंक्रोच कहलाई जाती है, वो लीगल नहीं होती है, तो इसीलिए हुकूमती इदारे तो आएंगे उठाने के लिए। लेकिन मुझे कुछ लोगों से यहाँ पे ये भी मालूम हुआ कि उनकी भी नहीं होती है, जो कंप्लेंस करवाते हैं जो उठवाते हैं वो इस जगह पे कब्जा करना चाहते हैं खुद। ये हम के पास है मगर ये जाहिर नहीं होता कि कौन कंप्लेंट करता है कौन उठवाने कर रहा है,
अलीगल जगह पे नहीं बैठे हुए, अलीगल ये गैस है। अगर हम यहाँ पे अगर घर बनाएंगे तो ये अलीगल है। ऊपर वाटर बोर्ड है, अगर हम वाटर बोर्ड की जगह पे जाएंगे तो वो अलीगल है। ये यहाँ से लेके ये हिंदू बस्ती है, आज से नहीं, यहाँ से 35 साल 40 साल हो गए। यूँ समझो कि हम बच्चे थे, यहाँ जवान हो गए, सफेद दाढ़ी हो गई है। तो ये हक हमारा बनता है या किसी और का बनता है? तो आप लोग हिंदू काउंसिल में जाके कंप्लेंट करें ना, उनको जाके बताएं कि अगर ये लैंड आप लोग का या आपको कहीं और फैसिलिटेट कर दें, अगर इस लैंड से हुकूमत कहती है कि आप लोग का लीगल नहीं है, उठा के आपको कहीं और फैसिलिटेट करें। ये झुग्गियां जो इस वक्त हालत दिख रही है बहुत ही बुरी दिख रही है, और यहाँ पे बीमारी तो बहुत ही आसानी से आ सकती है। हम यहाँ पे कंप्लेंट्स वगैरह लिख के देते हैं, हिंदू कमेटी के पास भी जाते हैं, यहाँ के जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, चाहे पीटीआई है, चाहे एमक्यू में, जो भी हुकूमतें आई हैं, हम उनके पास जाते हैं। शहबाज शरीफ कह रहे थे मैं अपनी कमीज बेच दूंगा, कपड़े बेच दूंगा और पाकिस्तानी अवाम को खुशहाल करूंगा। कमीज पता नहीं कितने की कमीज है उनकी, आपको मालूम? अगर वो कमीज बेचेगा तो हमारी कमीज उतरवाएगा ना, बेचेगा एक वो अपनी कमीज बेचेगा तो हमारी कमीज उतरवा के खुद पहनेगा। नहीं, उनकी मिल्स भी तो है ना, शुगर मिल्स और बाकी उनकी जायदाद वो नहीं बेचेंगे तो अल्लाह उसको बशक देवे को, हमारे को तो थोड़ी देगा, हम तो वही भीख मांग के खाएंगे, वही गुब्बारे बेच के खाएंगे। ठीक है। वाले आते हैं बस यही रोना रो के चले जाते, कोई ना मसला हल होता है, ना कोई गरीब का कचरा निकलता है, बंद कचरे में ही पड़े हैं, हमारे ही पैसे में हम डूबे पड़े हैं, हमारा यही हाल है। आ रहे कोई भी हमारी हेल्प नहीं कर रहा है, सीधी बात ये, कोई भी हेल्प नहीं। आता है वीडियो वाले भर के गरीबाबाद की चले जाते हैं, सब देखते हैं, सब रोना रो रहे, कोई किसी का हल नहीं कर रहे हैं, कोई गरीबों का हल नहीं हो रहा है। मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को यही कहना चाहता हूं कि हमें कराची यूनिवर्सिटी में तकरीबन नहीं तो 30 से 35 साल हो गए हैं। यहां पे बहुत एक पार्टियां आई हैं, बड़े बहुत मिसाइल हुए हैं, तो यहाँ पे हमारे को कोई किसी ने हेल्प नहीं करी है। हमारे तालीम हासिल जो बच्चे हैं अभी आप देख सकते हैं कि इन लोगों को तालीम नहीं मिल रही। और दूसरी बात कि हम भी पाकिस्तानी अवाम हैं, हमें भी कुछ चाहिए, ज़रूरी नहीं है, हम इंसान हैं, झुप्पड़ पट्टी में रहते हैं, फिर भी तकलीफ होती है, लाइट नहीं, पानी नहीं, और भी मसले मिसाइल हैं, गरीब हैं, कहाँ जाएं, किसके पास जाके बोले कि भाई हमें जो ज़रूरत है वो दी जाए, हम किसको बोले, कोई सुनने वाला तो है नहीं। पर हम प्रेस है या मीडिया है, हम उससे अपील करते हैं कि हमारी आवाज जो हमारे हुक्मरान हैं, जो बड़े बैठे हैं, उस तक पहुंचाई जाए कि हमारा भी एक अपना ख्याल किया जाए। हम भी इंसान हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, अगर हमारे बच्चे तालीम हासिल नहीं है तो पाकिस्तान जाहिल है, बिल्कुल जाहिल है। यही बात इन्होंने की, इसी के ऊपर मैं प्रोग्राम को कंक्लूड करूंगी। और मैं सिर्फ वन लाइनर इस पे ये दूंगी कि इंटरनेशनली जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, यानी आबादी, वो असासा होती है किसी भी मुल्क की, लेकिन यहाँ पे ये सारी आबादी खसारा बनती जा रही है, क्योंकि इनके पास ना तालीम है, ना इनके पास हुनर है, और ना ही इनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं एक पोटेंशियल फोर्स की तरह। ये हमारे हुक्मरानों के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।